बोल देना, अभी मैंने बोल दिया था ना कल यार। हाय एवरीवन, दिस इज फुरकान एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल। सो गाइस, राइट नाउ मैं हूं जयपुर के जंगल में नदीम भाई के साथ में। नदीम भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। नदीम भाई कहाँ लेके आए? भाई ये जयपुर के पास में नायला गांव है। अच्छा, वहाँ पे आए। माशाल्लाह बहुत नायाब नायाब नगीने एकदम बड़े, एक नंबर है। माशाल्लाह है, लिमिटेड है, लिमिटेड है लेकिन बहुत बढ़िया है। लिमिटेड है लेकिन बहुत अच्छे। ये 60, इसकी डिटेल ये है, ये घोड़े की 66 इंच पे है। ये 66 और अभी दो दांत पे है। दो दांत पे, हाँ। 30 महीने की एज है इसकी अभी, और 66 इंच पे हाइट है। बहुत बहुत मायने, मतलब ना बहुत बढ़िया। ये इंशाल्लाह 70 इंच पे जाने का। माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है, 70 इंच में घोड़े बहुत रेयर आ जाते हैं। नुकरा ना, माशाल्लाह। ये तो अभी खाया उसने खाना वगैरह। अभी कितना, एक साल का रहेगा? नहीं, ये 30 महीने का। 30 महीने का, 30 महीने का। थोड़ा इसको घुमा। माशाल्लाह नदीम भाई 66 में इतनी हाइट हो गई। नहीं अभी तो और बढ़ेगा भाई। हाँ अभी और बढ़ेगा, अभी 3-4 इंच ही जाने की उम्मीद है पूरी इससे। अच्छा, इसका बाप 66 इंच था और इसका बाप पंजाब बिक के चला गया। हाँ। सुल्तान लाइन से, ये गुलजार लाइन से है। सुल्तान इसके बाप था और इसका नाम है चांद। चांद ये भाई सिर्फ घोड़ों का ही शौक करते हैं? सिर्फ घोड़ों का शौक करते हैं। मैं भी यहाँ राइडिंग करने ही आता हूँ। अच्छा, तो थोड़ा सा राइडिंग का शौक है तो उसको पूरा करने यही आते हैं हम तो। माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी भी एकदम, खिलाने पिलाने के मामले में एक नंबर। भाई भी पोजीशन ये वाली होनी चाहिए। भाई भी काफी शौकीन है बाकी घोड़े वीड़े के। भाई भी तो काफी ऊपर गए। ये पैदाइशी घोड़ों में पैदा हुआ ना, ये छोटे जी हमारे। अच्छा, ये हमारे, ये समझिए कि हमारे उस्ताद भी हैं, गुरु भी है, और इन्होंने मेरे को फुल ट्रेंड इन्होंने ही किया है घोड़े पे राइडिंग के लिए, और इन्हीं के पास मैं सीखता हूँ। ये मैं क्या अल्लाह सिखाने वाला है। माशाल्लाह, लेकिन बहुत क्या बताऊँ, कुछ वर्ड्स नहीं है खाली। हम लोग जब से आए ना तब से यही घोड़े के ऊपर हम लोग ने अलहमदिल्ला बोले कि कुछ पाल के रखे भाई। भाई इसकी तो ये गारंटी है कि आसपास जयपुर के 50 किलोमीटर में ऐसा घोड़ा नहीं मिलेगा आपको। नहीं ना, इस हाइट पे, इस क्वालिटी पे, गुलाबी में। इसके पैसे लगाना भी एक अपने आप में इसका अपमान है, क्या बोलते हैं? तो भाई इसके नॉट फॉर सेल है। हाँ, लेकिन भाई को अगर कभी कोई इससे अच्छा मिला तो सेल करेंगे। हाँ ना, अभी ऐसे सेल नहीं करना। अगर ऐसा के लिए रखा हुआ है। नदीम भाई ऐसा नहीं बोल के, इसकी कीमत क्या रहेगी? नहीं भाई, इसकी कीमत अभी इसके 30 लाख रुपए लग गए थे। क्या बात कर रहे हैं यार, लेकिन इन्होंने उसमें सेल नहीं किया। इन्होंने उसको मना कर दिया था कि भाई हमें सेल नहीं करना। पंजाब से कोई पार्टी आई थी, उसको 30 लाख रुपए दे रही थी, लेकिन भाई ने मना किया। क्या बात है, मतलब हाइट यार, मेन हाइट का खेल है, क्या बोलते हैं? हाइट, कान, किसी चीज की कमी नहीं। देखो आप इसके कान देखो ना। अगर इनका नाम क्या है? छोटू जी, अगर किसी को नया, जैसे कि मेरे को घोड़ा लेना, तो क्या क्या चीजें देखनी पड़ती है आप जब लेते हो? घोड़ों में जैसे हर जो चीज लेना चाहे ना वो नई याद मिलेगा ना। हाँ, तो क्या क्या देखनी? बाल बोरी देखो पहले, किधर किधर देखनी पड़ती है? ये सामने वाली बोरी यहाँ डाउन ना हो, आंखों के नीचे ना चाहिए, आंखों के ऊपर होनी चाहिए। देवमनी हो ना वो अच्छा होता है। देवमणि या गर्दन पे आती है नीचे। अच्छा, और जिसके नहीं मिलती है सुबह होती है देवमणि, 5-1 दाब देती है। काफी सारी, और जैसे हाइट जैसे सूंड देखो कितनी भारी है सूंड। सूंड पैर को बोलते हैं, पैर को बोलते हैं राजस्थानी में, तो सूंड इसका जो पैर है ये वाला, इसको बोलते हैं। नदीम भाई आपको भी मतलब ऐसा परखने आता है घोड़ा कौन सा ये है? और वो कान का भी आप कुछ बता रहे थे ना? कान का देखो, इसका कान जो है बिल्कुल एक दूसरे को टच करेगा ऊपर, देखिए अभी तो पीछे कर रहा है थोड़ा, बिल्कुल मारवाड़ी की तरह एकदम टच करेगा। हाँ ना, इसका फेस देखिए आप, इसका रोमन नोज है, ठीक है, और किसी तरह का कोई ऐब नहीं है घोड़े में। अच्छा, अभी इसको स्टार्ट किया है राइडिंग के लिए, बहुत एक्टिव घोड़ा है, देखो ना अभी खड़ा भी नहीं हो रहा, इसको चाल मांगती है आराम। टेम नहीं है, मैं तो ये बोले ना, थोड़ा 30 की चाल चलता है रे वाली है। इसमें क्या बोलते हैं 30 की, मतलब मतलब ये समझो कि स्पीड जो नापते हैं ना, वो 30 की स्पीड पे रेवाली चलेगा ये। हाँ, और जैसे तेज चलाना चाहते हो तो 100 की भी पकड़ लेगा। क्या बात, लेकिन वो धुड़की पे, हाँ ना, जैसे गाड़ी की तरह, उसमें मजा नहीं आता है। रेवाल जो होती है ना सबसे बेस्ट चाल, जॉगिंग बोलेंगे तो चलेगा ऐसा, जॉगिंग से जॉगिंग।
माशाल्लाह। लेकिन ये इससे भी बढ़ के है, इसके भी बच्चे अपन है ना दिखा देते तो लोगों को, जिसको भी लेना रहेगा ना तो आपसे कांटेक्ट करेंगे। इसकी माँ भी दिखाते हैं और भी घोड़ों का शौक कराते हैं। हाँ चलेगा। अभी ये मेल ब्रीडर है, पहले सबसे पहले इसका शौक इस, किया, इसका, आप आइए दूसरे का। चलेगा चलेगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हो आस पड़ोस में कुछ ये नहीं है, जंगल जंगल पूरे जंगलों में खाली बिचारे ये इकलौते भाई है जो अपना शौक कर रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल पे शौक कर रहे। आप देख सकते हो कितना मतलब साफ़ सुथरा घोड़े को रखे उन्होंने और बहुत शौक से पालते हैं, उसकी फिटनेस खान पियान सब देख सकते, तैयारी वगैरह देख सकते हो, एक जंगल में रह के उन्होंने कैसा पाले। अक्सर लोग बहाना बनाते शहर में रह के भी। ओह ये तो एक बार उड़ा लो ना छोटू जी, इधर इधर से लाओ ना, उड़ाओ जरा। नहीं 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 उड़ता है, उधर पट्टी में पट्टी में करो। एक्चुअली सन आया ना इसकी वजह से पूरा। चलो ये शादी विधि का एकदम ये है क्या? शादी में नहीं जाता मेल, फीमेल जाती है। ये ट्रेन भी यही करते हैं? यही ट्रेन करते हैं ना, ये ट्रेनर भी है ये देखो। अरे ये सर झुका रहा है भाई। हाँ ना, जानवर को भी इतना नॉलेज है। चलेगा चलेगा, ये इसका अपन यही करते, यहाँ पे ही रोक देते। चलेगा नदी में अपन उस अभी दूसरे घोड़ों का शौक कराते हैं।